જડજ જીવન છે અને જડજ દેવતા છે તેવું માનીને જો ચાલીશું તો આગળની પેઢી માટે આપણે શુદ્ધ પાણી મૂકતા જઈશું. પરંતુ અત્યારની પરિસ્થિતિમાં વાત કરવામાં આવે તો શુદ્ધ પાણી મળવું ખૂબ જ અઘરું થઈ ગયું છે. આજરોજ ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત દ્વારા આજ મામલે કેટલીક માહિતી આપવામાં આવી છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે હવે જળને જીવન માનીને તેની પૂજા કરવી ખૂબ જ જરૂરી બની ગઈ છે. જો આપણે જળને જીવન નહીં માનીએ અને તેનો વેડફાટ જ કરતા રહીશું તો બની શકે છે કે આગળની જે પેઢી આપણી જ પેઢીઓ છે તેમના માટે ચોખ્ખું જળ આપણે મૂકીને જ નહીં જઈએ. નમસ્કાર મિત્રો, મેં દિવ્યદર્શન પુરોહિત ગુરુદ્વારા વડોદરા ઇન્ડિયાથી બોલ રહા હું. આજ હમ બાત કરેંગે વોટર મેનેજમેન્ટ કી, જલ ક્રાઇસિસ કી, જલ હૈ તો જીવન હૈ ઉસકે ઉપર કી. હમને પહેલે કાર્બન બજેટ કે ઉપર ડિસ્કશન કિયા થા, અબ આજ વોટર બજેટ પર ડિસ્કશન કરેંગે. पृथ्वी 450 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न हुई, उसी के साथ में जल उत्पन्न हुआ था. सूर्य से ही हमें जल प्राप्त हुआ था और उसके कोर में फैला था और अब वो जल पूरे जलावरण के रूप में ग्लेशियर्स में, समंदर में, नदी में, झीलों में है, फैला हुआ है. और वो जल जितना है उतना 450 करोड़ वर्ष पहले था उतना का उतना ही अभी तक भी है. वो रोटेट होता रहता है, बर्फ से बाष्प, बाष्प से फिर जल, जल से फिर बर्फ बनता रहता है, मगर वो कभी समाप्त नहीं होता. जितना जल है, मान लो एक गिलास जल है, तो एक गिलास जल 450 करोड़ साल से अभी तक जिंदा है, मगर उसकी बहने की पद्धति अलग अलग हो गई है. जैसे कभी झील में हो जाता है, कभी समंदर में हो जाता है, कभी ग्लेशियर्स में हो जाते हैं, मगर वो सब जल पीने लायक नहीं है. याद रखिए, वो जल पीने लायक जो है वो केवल 3% है. पूरे विश्व में जितना भी जल है 75% पूरा का पूरी पृथ्वी जल से शराब हो रहे, मगर उसमें से केवल 3% ही, यानी 2.5% जितना जल ही पीने लायक है. और वो पीने लायक जल भी में से भी 3-4 जल ग्लेशियर्स में ढका हुआ है, यानी हमारे पास केवल 0.3% जल ही ऐसा है जो हम पी सकते हैं. मगर वो पीने लायक जल को अब हमारे सुख की अंधी दौड़ के कारण प्रदूषित करते हुए चले जा रहे, उसको खत्म करते हुए चले जा रहे, उसके स्रोतों को हम बिगाड़ते हुए चले जा रहे. ये जल जीवन है, जल है तो हम हैं, जल है तो पोषण है, जल है तो वनस्पति है, जल है तो जीव सृष्टि है, जल है तो पूरा का पूरा पर्यावरण जिंदा है. और जल को ही हम समाप्त करते हुए चले जा रहे. जल के अंदर हमने इतना प्रदूषण घोल दिया, इतना जहर घोल दिया है कि जो जल हम पीते उससे हम बीमार हो जाते हैं. वेदों में जल को देवता कहा गया, आपह देवता, यानी कि जल ऐसा देव है जिससे जीवन मिलता है. जल को औषधि के रूप में प्रयोग करने का अथर्ववेद के अंदर बहुत ऊंचाई प्राप्त होती है कि जल को हम औषधि के रूप में भी कर सकते हैं जिससे हमारे बीमारियां दूर होती है. मगर अब हमने जल ऐसा बना दिया है कि उससे बीमारियां ज्यादातर बढ़ रही है. हमने जल के स्रोतों को समाप्त कर दिया है, तालाबों को पूर दिया है. हमारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमने तालाबों को पूर दिया है, हमने तालाबों को गहरा नहीं किया, कुओं को नहीं खोदा है, हमने नहीं नदियों को आगे नहीं बहाया है, नदियों को बांध बनाकर छोड़ दिया, मगर उसको बहने की कोई परिस्थिति का हमने निर्माण ही नहीं किया है. हमने कभी हमारे बोर को रिचार्ज करने का प्रयास ही नहीं किया है. और फिर कहते हैं कि जल कहाँ है. आज जल की ऐसी परिस्थिति है कि क्लाइमेट चेंज के चलते बारिश बहुत कम हो रही है और हो रही तो इतनी अंधाधुंध हो जाती है. अभी अगस्त की बात करें, अगस्त में बारिश नहीं हुई है, अब सूखा पड़ने का दौर शुरू हो गया, डर लग रहा है. और मान लो बारिश गिरी तो ऐसी गिरेगी कि एकदम फ्लड आ जाएगी और बाकी का सारा पानी जो पीने लायक है वह बह जाएगा. तो हमें क्या करना है मित्रों? हम छोटे छोटे आदमी हैं, हम बड़े लोग नहीं हैं, हम बड़े बड़े स्तर के उद्योगपति नहीं हैं, हम बड़े राजकारणी नहीं हैं, हम सरकार में नहीं हैं, हमारी कोई ताकत नहीं है, मगर हम गिद्ध हैं, हम गिलहरी हैं, हम कृष्ण के ग्वाल बाल हैं, राम के छोटे छोटे रीछ और वानर हैं. हम कर सकते हैं, गांधी के सत्याग्रह की कर हम कर सकते हैं. क्या करना चाहिए? जो पानी का स्रोत है उसको शुद्ध बनाए रखें, प्रदूषण को हमारी ओर से कम पैदा करें, ताकि जो हम जहर पैदा करते हैं, धुआं पैदा करते हैं, पर्टिकुलेट मैटर पैदा करते हैं, वो सब प्रदूषण कम से कम हमारी ओर से तो कम हो. दूसरा करे ना करे, हमारी ओर से तो जल देवता को हम ना बिगाड़े. दूसरी बात ये करें कि हमारे घर के अंदर जो भी बोर है, बोरिंग वेल है, कुएं हैं, उसको हम रिचार्ज करें. वो बहुत इजी चीज़ है. अभी जो बारिश होने वाली है तो 2 महीने अगर बारिश गिरती है, 2 महीने का हम बराबर इस्तेमाल करें एकदम चुस्ती से. साथ में टेरेस में जितना भी जल आता है वो एक टेरेस में एक ड्रेन पाइप से और नीचे हम लाते हैं, वो ड्रेन पाइप को फिल्टर लगा करके एक पाइप उसका हम बोर के अंदर छोड़ दें, तो फिल्टर से गलता हुआ जल, या ऐसा करें पहली बारिश का जल जाने दें कि दूसरी तीसरी बारिश का जल
बोर के उसमें गिरने दे, उससे क्या होता है मित्रों, हमारा बोर रिचार्ज हो जाएगा। हमने गायत्री प्रज्ञा पीठ गुरु देवेदशाला से ये प्रयोग 3 साल से कर रहे हैं, तो हमारा बोर फुल तो भर ही जाता है, मगर आसपास के बोर भी रिचार्ज हो जाते हैं। तो पानी को भरे टंकियों को हमारे गांव में, पहले हम चोरवाड़ की बात करते हैं जहां के हम रहने वाले हैं, वहां पर टंके भरे रहते थे, पूरे साल का पानी उसमें भर देते थे और पूरे साल उसे धोने की, रसोई बनाने की पानी की इस्तेमाल उपयोग किया जाता था। तो ये हमें पानी भरना है, उसका इस्तेमाल करना है, उसका हम पानी नया बना तो नहीं सकते, मगर दो चीज कर सकते, उसको शुद्ध कर सकते हैं या प्रदूषण कम करें, और उसका हम जितना बने हो सके उतना स्टोरेज करके रखें। हम खेती आने पास हम किसान हैं, तो बड़े बड़े छोटे छोटे 1x2 मीटर के स्क्वायर बना दे अपने खेत में, और 1.5 फुट उनके स्क्वायर बना दे, उसमें जल जो बारिश का आता है उसको भरने दे, और जब जल भरता जाएगा तब वो धीरे 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 रिसाव होता होता धरती के अंदर उतरता हुआ चला जाएगा। हम इस प्रकार की खेती में, उद्योगों में, हमारे घरों में, हमारे खेत खलियानों में इस प्रकार का पानी संरक्षण कर सकते। जल संरक्षण ही जल संवर्धन है, और जल संवर्धन से ही हमारा जीवन बचेगा मित्रों, क्योंकि जल है तो हम है, जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको इसकी कीमत देखनी हो तो राजस्थान के रण में चले जाएं, अगर कीमत देखती है हो तो काठियावाड़ में चले जाएं, एक सप्ताह में एक बार एक ही टाइम पानी आता है, पीने के पानी के लिए कितना तरसना पड़ता है। कच्छ में चले जाएं और देखिए पानी की क्या परिस्थिति है, हमारे पास इतना पानी, हम कारों को वॉश करते हैं, हम घरों को वॉश करते थे और सोचते नहीं कि हमारे दूसरे भाई लोग बहन लोग पानी भरने के लिए 10-10 किलोमीटर दूर जाते हैं मित्रों। तो हमें हमारी ओर से तो कम से कम जल देवता का अपमान नहीं ही करना चाहिए, जल संवर्धन करें, जल संरक्षण करें, जल को शुद्ध बनाए रखें और बोर को रिचार्ज करते रहें मित्रों। ऐसी प्रार्थना के साथ आइए प्रार्थना करें पैंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।